नमस्कार दोस्तों, न्यूज 360 वर्ल्ड लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार क्यों लगाई, साथ ही इन तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता तो वो इस कानून पर रोक लगा सकती है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार है उसने किसान आंदोलन को रोकने के लिए जो रवैया अपनाया उससे सुप्रीम कोर्ट को बेहद निराशा हुई है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाएगी जिसकी अगुवाई एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही इस पर कोई फैसला दिया जाएगा। तब तक के लिए इस कानून पर रोक लगाई जाती है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि वो अपने प्रदर्शन के लिए किसी वैकल्पिक जगह के बारे में सोचे ताकि और लोगों को परेशानी ना हो। इस पूरे मामले की सुनवाई तीन जजों के बेंचों ने की जिसके अंदर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और ए एस बोपन्ना और इसके अलावा बी राम सुब्रमण्यम थे। इसके अलावा अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है और किसान संगठनों की ओर से दुष्यंत दवे और ए पी सिंह थे। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे मामले को ले रही है वे बेहद निराशाजनक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे पहले की बातचीत में केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारी बातचीत अभी जारी, लेकिन क्या बात हुई, इससे कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आया। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे उन्होंने कहा कि जो ये कानून है इससे पहले, इसको बनाने से पहले कई एक्सपर्ट जो कमेटी थी उनके सलाह मशवरा किया गया और जो इससे पहले हमसे पहले की जो सरकारें थी वो भी इस कानून को बनाने की दिशा में काम कर रही थी। सीजीआई ने कहा कि ये दलील बहुत ही बेकार है कि पहले की सरकारों ने भी इस कानून को बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपने कोर्ट को बहुत ही संकट की स्थिति में डाल दिया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई कि वो किसी को भी आए आदेश नहीं दे सकता या किसी भी नागरिक को ये आदेश नहीं दे सकता कि वो धरना प्रदर्शन ना करे या आंदोलन ना करे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अगर इन आंदोलनों के दौरान, इन धरना प्रदर्शन के दौरान अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे, अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हम सब की होगी और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। साथ ही चीफ जस्टिस ने कई किसान संगठनों से सवाल किए कि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और इसमें जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं और जिस जगह पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, पानी पीने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा जो इस आंदोलन के अंदर जो बूढ़े और जो महिलाएं हैं वो इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं इतनी सर्दी में, तो इन ऐसे कई सवाल थे जो कि चीफ जस्टिस की तरफ से किसान संगठनों से पूछे गए थे। आपको बता दें कि फिलहाल जो किसान संगठन हैं और जो सरकार है उनके बीच में तमाम वार्ताओं का दौर जारी था और उनके बीच में अभी तक 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन जिसका कोई भी अभी तक फल नहीं निकला, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए जो ये तीन कृषि कानून हैं उन पर रोक लगा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये भी नहीं कहा कि वो इस कानून के पक्ष में है या इसके विपक्ष में है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी कंडीशन बनी हुई है ये जैसे सारी स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अभी के लिए स्टे लगा दिया है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।